नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उन दो लड़कों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्हें भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसी सच्ची घटना घटी जिसके बाद उनका अंधविश्वास हकीकत में बदल गया। क्योंकि कहते हैं ना, ये भूत प्रेत भी उनको ही अपना शिकार बनाते हैं, या तो वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते या जो उनसे डरते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजी है कुलदीप ने, तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ कुलदीप की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, शुरुआती समय में मेरी नौकरी गुड़गांव में लगी थी। गुड़गांव की एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी जिसमें मैं काम किया करता था। काफ़ी साल तक, करीब 3 से 4 साल तक मैंने उस कंपनी में काम किया था, लेकिन कुछ समय बाद उस कंपनी ने राजस्थान में ही अपनी एक कंपनी में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ एक दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाला मेरा दोस्त पुलकित, उसका भी ट्रांसफ़र मेरे साथ राजस्थान में ही हुआ था। तो हम दोनों राजस्थान के लिए निकल पड़े। हम दोनों को वहाँ पर एक एक फ्लैट दिया गया था, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया था क्योंकि हम दोनों वहाँ पर अकेले रहेंगे तो हम दोनों एक ही फ्लैट शेयर करेंगे जिसमें हम दोनों साथ रहेंगे और साथ खाना वाना बनाकर भी खाएंगे, क्योंकि अकेले रहने में थोड़ी दिक्कत थी। हम दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे, हमने वहाँ पर अपना ऑफिस का काम संभाल लिया था, लेकिन हमें वहाँ पर घर के कुछ ज़रूरी सामान के लिए मार्केट जाना था, जिसके चलते ऑफिस में हमारी शनिवार और संडे की छुट्टी रहती है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम अगले आने वाले शनिवार को अपने घर का ज़रूरी सामान लेने जाएंगे। तो ठीक वैसे ही सुबह हम लोग उठे, नाश्ता किया और शनिवार की सुबह घर का सामान लेने के लिए निकल पड़े बाज़ार में। बाज़ार गए, अपना ज़रूरी सामान खरीदा और घर के लिए रवाना हो पड़े। लेकिन सामान थोड़ा ज़्यादा था जिसे हम ऐसे लेकर घर नहीं आ सकते थे, तो हमने वहाँ पर ऑटो रिक्शा बुक किया जो हमें घर तक लेके आता। हम दोनों उसमें सामान रखा और बैठकर निकल पड़े, लेकिन वो ऑटो रिक्शा हमें एक दूसरे रास्ते से लेकर आ रहा था, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, जाम लग रहा था, तो उसे एक दूसरा रास्ता भी पता था, तो वो अपना ऑटो रिक्शा उस पर लेकर चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, वो रास्ता काफ़ी अच्छा था, उस पर भीड़ बहुत कम थी, गाड़ियाँ काफ़ी कम चल रही थी और उसके साइड साइड में छोटे छोटे पहाड़ भी थे। मैं और पुलकित दोनों आपस में बात करते जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक छोटा सा किला दिखा। यकीन करें दोस्तों, जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं उसे देखता रह गया, क्योंकि वो था तो टूटा फूटा लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर था। ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन सच में उस पर मेरा दिल आ गया था, न जाने क्यों मेरी नज़र उस पर पड़ी रही। फिर मैंने पुलकित से बोला कि पुलकित देख यार, ये किला कितना सही लग रहा है। उसने बोला हाँ यार, अच्छा तो है। कि तभी आगे ऑटो जो चला रहा था ड्राइवर, उसने बोला कि सर, ये जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है ये उतना ही ज़्यादा डरावना भी है। हमने उससे पूछा क्यों, ऐसा क्या है? उसने बोला कि सर, काफ़ी बार लोगों ने यहाँ पर किसी भूत प्रेत को देखने का दावा किया है, और यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर रात के समय जब वो लोग यहाँ से गुजरे हैं तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे अंदर कोई चल रहा है, कोई बात कर रहा है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं जिसे देखकर लोगों के दिल में बहुत दहशत होती है। ये बात सुनकर मैं और पुलकित दोनों हंसने लगे, क्योंकि हम दोनों को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हम दोनों काफ़ी ज़ोर से हंसने लगे। ऑटो वाला पूछने लगा कि सर आप हंस क्यों रहे हो? मैंने उससे बोला कि भाई, आज के ज़माने में भी तुम्हें इन सब अंधविश्वासों पर भरोसा है? वो कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने बोला भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई, तुम आज भी इन पर रुके हुए हो। मैंने बोला कि ये कोई भूत प्रेत की जगह नहीं होती है, यहाँ पर चोर और डकैत रहते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सामने नहीं आ सकते, तो वो ऐसी जगह पर रहते हैं और ऐसी अफवाह फैला देते हैं ताकि अंदर कोई ना आ सके, और वो सारा चोरी किया हुआ सामान यहीं रखते हैं, यहाँ भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन ऑटो वाला यही बोल रहा था कि सर आप चाहे इन चीज़ों पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन मुझे भरोसा है क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी समय से हूँ। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे को हमारे घर छोड़ दो। और थोड़े समय बाद हम अपने फ्लैट पर पहुँच गए। हम दोनों अपने फ्लैट पे पहुँचे, सामान वामान रखा और अपना खाना बना बना के दोपहर को सो गए। रात के समय हम दोनों बैठे बात कर रहे थे कि कल का दिन संडे है, कल छुट्टी है, कल क्या किया जाए। हमने पहले सोचा कि मूवी देखने चलते हैं, फिर सोचा कि कहीं और घूमने जाया जाए, फिर तभी दोनों के दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना उस किले पे चला जाए, जाकर देखा जाए कि आखिरकार उसमें भूत कैसे हैं, क्योंकि हम दोनों ने आज से पहले कोई ऐसी भूता घटना देखी नहीं थी ना ही महसूस करी थी। लोगों से बातें बहुत सुनी थी लेकिन हमें हर बार इन चीज़ों पर हंसी आती थी, ना ही मैं भरोसा रखता था इन चीज़ों पर, ना ही पुलकित। हम दोनों इन चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे थे, तो हम दोनों ने रात ही फैसला किया कि कल हम दोनों उस किले में जाएंगे और देखकर तो आएं कि भूत होता कैसे है, मिलकर आएंगे, बात करेंगे उस भूत से। बहुत ही हंसी मजाक भी इस चीज़ों को ले रहे थे।
तो ठीक, हमने वैसा ही किया। सुबह हम लोग उठे, अपना नाश्ता किया, अपने जो भी कपड़े थे वो वगैरह धोए और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। लेकिन हमें किले के लिए निकलते निकलते शाम हो गई थी, करीब 4 बजे के आसपास हम किले के लिए निकले। घर से हम निकले पैदल पैदल, थोड़ी ही दूर जाकर वो किला था और हम किले पे पहुंच गए। किले पे पहुंचे तो देखा वहां पर बहुत शांति थी, लेकिन पुलकित एक चीज़ को देखता रहा। मैंने पूछा, पुलकित क्या हुआ? पुलकित ने पलट कर जवाब दिया कि यार, कल जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने ऐसा देखा कि ये जो पेड़ है बगल में, ये जो नीम का पेड़ है, कल ये हरा भरा था और इस समय ये सूखा कैसे है? मैंने कहा, क्या बात कर रहा है यार तू? उसने बोला कि यार, या तो मेरा देखने में धोखा हो गया होगा, लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि शायद ये पेड़ हरा भरा था, आज सूख गया है। मैंने कहा, तूने कुछ और देख लिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, एक दिन में पेड़ कैसे सूख जाएगा। उसने बोला, हाँ ऐसा ही होगा। उसके बाद फिर हम दोनों उस किले के अंदर चल पड़े। किले में जब घुसे तो किले में काफ़ी गंदगी थी, मकड़ी के जाले थे, धूल धूल हो रही थी, काफ़ी कूड़ा भी था, सूखे पेड़ के पत्ते भी थे, इसके चलते वहाँ पे काफ़ी बदबू आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने फैसला किया कि हम पूरा किला घूम कर आएंगे। तो धीरे धीरे कर हम किले के अंदर बढ़ते गए। थोड़ा दूर चले तो देखे वहाँ पे कमरे थे, कुछ झूमर भी लटक रहे थे, और आगे गए तो और कमरे, काफ़ी सुंदर था, अंदर से देखने में काफ़ी अच्छा था। लेकिन जब किले के पीछे पहुँचे तो वहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी था, जो कुआं पूरा सूख चुका था। हमें लगा कि ये पहले इसमें पानी होगा जो अब सूख चुका है। उसके बाद हम धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ चलने लगे। लेकिन दोस्तों, जब हम ऊपर की तरफ चल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे नीचे की तरफ ही, जब हम नीचे से ऊपर आ गए तो नीचे की तरफ से ही कोई इंसान चप्पल पहन के भाग रहा है, चप्पल की आवाज़ आ रही थी। लेकिन हम दोनों ने जूते पहने हुए थे। मैं तुरंत पीछे मुड़ा देखने के लिए, पुलकित मेरे पीछे था। उसने पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा, तुझे आवाज़ आई किसी की? उसने बोला, नहीं तो कैसी आवाज़? मैंने कहा कि यार, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चप्पल पहन के यहाँ से भागा। पुलकित कह रहा, यार तू डराने की कोशिश कर रहा है ना मुझे? मैंने कहा, नहीं यार, मेरी बात का भरोसा कर, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे कोई चप्पल पहन के भागा यहाँ से, चप्पल की आवाज़ आई थी काफ़ी तेज़। फिर मैंने ही बोला, अबे छोड़ यार, चल तू आगे चलते हैं, पता नहीं क्या था। और हम दोनों आगे की तरफ चल पड़े। ऊपर पहुँचे तो देखा ऊपर भी काफ़ी कमरे थे, वो भी सब धूल धूल हो रखी थी, काफ़ी मकड़ी के जाले थे। हमें आगे बढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम दोनों ने ठाना था तो पूरा किला देखकर ही आना था। लेकिन हम एक जगह जाके रुक गए क्योंकि वहाँ पे छत काफ़ी कच्ची थी, वो किसी वक्त ढह सकती थी और उस पर चलना मुश्किल था, जिसके वजह से हम वहाँ से वापस होने लगे। जब वहाँ से हम वापस की तरफ लौट रहे थे तो पुलकित एकदम से रुका। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि कुलदीप एक मिनट रुक। मैं रुक गया। उसने बोला कि यार ऊपर कोई है। मैंने कहा, क्या बात कर रहा है? उसने बोला कि हाँ यार, मैंने किसी की परछाई देखी मुड़ते वक्त, सूरज ढल रहा था, हल्की हल्की रोशनी थी, तो जिसके चलते उसने किसी की परछाई देखी थी। मैंने कहा कि यार ऊपर कैसे जाएं, ऊपर जाना तो मुश्किल है, अगर हम चले और गलती से छत गिर गई तो। तो पुलकित बोला, यार पर मैंने किसी की परछाई देखी। मैंने उससे बोला कि छोड़, जो भी है अब नीचे चलते हैं, क्या पता कोई बिल्ली वगैरह हो। और हम दोनों नीचे की तरफ चलने लगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे कर बिगड़ने लगी। जैसे ही हम सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो सबसे नीचे वाली मंजिल से हम दोनों ने साफ किसी औरत को इधर से उधर जाते देखा, यानी कि वो एक ओर से दूसरी ओर जा रही थी। हम दोनों के कदम एक जगह बिल्कुल रुक गए, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो जो औरत थी उसके पहनावा कुछ अजीब था। उसका पहनावा ऐसा था जो राजस्थान के गांव देहात में लोग पहनते हैं, वो शहर का पहनावा नहीं था, वो गांव देहात का पहनावा था। और उस औरत की चलने की आवाज़ बिल्कुल हमें साफ आई। पुलकित ने मुझसे पूछा कि कुलदीप, ये क्या था? मैंने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार, इस किले में औरत आई कहाँ से? अभी हम नीचे से होकर आए, हमें तो कोई औरत दिखी नहीं, और एकदम से औरत कहाँ से आ गई? तो हम दोनों वापस से नीचे की तरफ भागे उसे देखने के लिए कि वो औरत थी कौन। हमें लगा कि शायद ये वही हैं जो यहाँ पे चोर डकैत रहते होंगे। लेकिन जब हम नीचे पहुँचे और उस तरफ गए जिस तरफ वो औरत गई थी, तो यकीन करें दोस्तों, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब दोस्तों हमने नीचे मिट्टी पे देखा तो हमें मिट्टी पे उस औरत के पैरों के निशान साफ दिखाई दिए थे। उस औरत का पंजा, पैर का पंजा बिल्कुल साफ उस मिट्टी पे छपा हुआ था। उस चीज़ को देखने के बाद हम दोनों थोड़ा घबराने लगे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे। हम एक दूसरे को बस यही समझा रहे थे कि यार कोई आ गया होगा और निकल गया हमें देखकर, शायद उसने हमें देख लिया और वो भाग गया। लेकिन दोस्तों, हम नीचे खड़े ही थे कि ऊपर से
किसी ने हमारे ऊपर पत्थर फेंका, जो पत्थर हमें लगा नहीं लेकिन हमारे करीब गिरा। हम दोनों की नज़र एकदम ठीक एक साथ ऊपर पड़ी, ऊपर कोई नहीं था। पुलकित कहने लगा कि मैं ऊपर जाकर देखूंगा आखिरकार ऊपर है कौन। मैंने पुलकित का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई देख रिस्क है थोड़ा सा। उसने बोला कि तू छोड़ मैं जाकर देखता हूँ। मैंने कहा रुक मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। तो फिर हम दोनों वापस ऊपर गए देखने के लिए कि आखिरकार ऊपर से पत्थर फेंका किसने था। ऊपर पहुँचे, फिर से हर एक कमरे को देखा लेकिन एक भी कमरे में कोई नहीं था। उसके बाद चीज़ें थोड़ी अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने पुलकित से बोला कि पुलकित अब रात होने को है, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे करके, क्यों ना अब यहाँ से निकला जाए। तो पुलकित भी कहने लगा कि चल ठीक है। दोस्तों उसके बाद इतनी भयानक घटना मेरे साथ घटी जिसको आज भी अगर मैं याद करूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं और पुलकित सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कदम अपने आगे बढ़ाए सीढ़ी से उतरने के लिए, तो दोस्तों सिर्फ मुझे मेरे ही कदमों की आवाज़ आ रही थी, मुझे पुलकित के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। जिसे समझते ही मैंने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर देखा कि पुलकित कहाँ गया, लेकिन दोस्तों पीछे पुलकित नहीं था। जिसे देखने के बाद मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई और मेरे शरीर से पसीने छूटने लगे। उसके बाद मैंने तुरंत आवाज़ मारी कि पुलकित तू कहाँ है पुलकित, लेकिन पुलकित कुछ नहीं बोल रहा था। उसके बाद मैं वापस ऊपर चढ़ा देखने के लिए कि पुलकित आखिरकार गया कहाँ। तो दोस्तों ठीक अगले ही कमरे में पुलकित दीवार की तरफ मुंह करे नीचे जमीन पे पलथी मार के बैठा हुआ था। मैंने कहा पुलकित तू यहां क्या कर रहा है यार, हम दोनों तो जा रहे थे, तू खड़ा और चल मेरे साथ। लेकिन पुलकित कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो एकदम स्थिर बैठा हुआ था। उसने पलथी मारी हुई थी और उसका मुंह दीवार की तरफ था। मैंने उससे दोबारा बोला, मैंने कहा पुलकित खड़ा हो चलना है यार यहां से, लेकिन पुलकित का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जब मैं पुलकित के पास गया और उसके कंधे को पकड़ के हिलाया तो दोस्तों पुलकित ने अपना कंधा झटक दिया और एक ऐसी ही आवाज़ में मुझसे बात करी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत की आवाज़ में पुलकित ने बोला कि तू यहाँ से चला जा। यह आवाज़ सुनते ही मैं दो कदम पीछे हो गया। उसके बाद मैं सिर्फ पुलकित को देखता रहा। मैंने पुलकित को दोबारा से आवाज़ मारी कि पुलकित मेरे साथ चल, लेकिन पुलकित नहीं बोल रहा था। मैं बहुत डर गया था। उसके बाद सिर्फ मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं भाग जाऊं या तो फिर पुलकित को कैसे भी करके लेके जाऊं, लेकिन पुलकित को मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था। तो फिर मैं वापस से पुलकित के पास जाने लगा और दोस्तों जैसे ही मैंने एक दो कदम आगे बढ़ाए तो उसने मुझसे फिर से बोला उसी लड़की की आवाज़ में कि तू यहाँ से चला जा। लेकिन दोस्तों मैं पुलकित को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था। मैंने कहा पुलकित तू खड़ा और मेरे साथ चल। मैं ज़बरदस्ती पुलकित के पास गया और उसको उसकी कमर से ज़बरदस्ती पकड़ के उठाने लगा। लेकिन दोस्तों यकीन करें पुलकित में उस समय इतना वज़न था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी चट्टान उठा रहा हूँ। मैं पुलकित को तस से मस नहीं कर पाया। इतना वज़न पुलकित में आखिरकार आया कहाँ से, ये सोचने की बात थी। लेकिन दोस्तों जब इस घटना के बाद मेरा दिल गवाही दे चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब है, तो सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई, हनुमान चालीसा। मैंने पुलकित को पकड़ा हुआ था और मनी मन मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू करी। और दोस्तों जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू करी पुलकित घुर्राने लगा। मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैं हनुमान चालीसा कंटिन्यूसली पढ़ता रहा, लगातार पढ़ता रहा। और दोस्तों एक समय बाद पुलकित का पूरा शरीर बिल्कुल ढीला हो गया और पुलकित बेहोश हो गया था। जब पुलकित का शरीर ढीला हुआ और बेहोश हुआ तो मैंने उसको उठाया और उसको होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन पुलकित होश में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैं उससे बार बार बोलता रहा, मैंने कहा पुलकित होश में और यहाँ से निकलना है भाई, ये चीज़ ये जगह खतरनाक है, इस जगह से हमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी बाहर निकलना है, पुलकित तू मेरी बात सुनना है। लेकिन पुलकित का जवाब नहीं आ रहा था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि पुलकित को उठा के यहाँ से निकलूं। तो मैंने पुलकित को अपनी पीठ पे लटका लिया, उसके दोनों हाथ अपने गर्दन से आगे लेकर उसे पीठ पे लटकाया और उसको धीरे धीरे कर लेके आगे बढ़ने लगा। पुलकित में वजन था तो मेरे को दिक्कतें हो रही थी सीढ़ी उतरने में, लेकिन मैं जब भी धीरे धीरे कर सीढ़ी उतरा। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके मैं सीढ़ी तो उतर गया, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी उतर के बाहर निकलने लगा तो दोस्तों मेरी नज़र उस कुएं पर पड़ी जो उस किले के सबसे कोने पर था। और दोस्तों वहाँ पर मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसको मैं आज भी बयां करूं तो मेरे को आज भी बहुत खौफ होता है। उस किले के पास वही औरत जो हमें ऊपर से दिखी थी पुराने राजस्थानी लिबास में, वो उस कुएं के पीछे खड़ी थी। और दोस्तों वो जैसे जैसे हमारे करीब बढ़ रही थी
वैसी वैसी उसका कद छोटा होता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने उस औरत को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया कि वो आखिरकार ऐसा कर कैसे ले रही है कि जैसी वो एक कदम बढ़ रही है जो उसका कद कम होता जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में ढसती जा रही है। और दोस्तों उसके बाद मैं जैसे तैसे वहां से भागने लगा। मैं वहां पर अब एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। पुलकित के पैर जमीन पे लग रहे थे, लेकिन मैं वहां से पहले निकलना चाहता था ताकि हम दोनों की जान बच जाए। लंगड़ाता लंगड़ाता पुलकित को घसीटता घसीटता उस किले से मैं बाहर निकला। और उस किले से बाहर निकलते ही सड़क पे आते ही पुलकित और मैं दोनों सड़क पे लेट गए। और दोस्तों वो बात भी सच निकली। जब हम उस किले के बाहर थे तो किले के अंदर से बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावनी औरत की आवाज़ आ रही थी, जिसे मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। दोस्तों उस आवाज़ के आने के बाद तो बस मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मैं निकलूँ कैसे, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। कि तभी वहाँ से एक बाइक वाला जा रहा था, तो मैंने उससे मदद के लिए हाथ मांगा। उसने बाइक हमारे पास रोकी। मैंने उससे बोला कि दोस्त मेरी मदद करो, मेरा दोस्त मुसीबत में है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसने बोला ठीक है। मैंने पुलकित को बाइक पर बैठाया और पीछे बैठ कर वहाँ से निकल पड़ा। वो बाइक वाला भी मुझसे पूछ रहा था कि आप दोनों इस किले के पास कर क्या रहे हो। मैंने बोला कि हमने अपनी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती करी थी यहाँ पे आकर। उसने बोला आपको पता नहीं है कि इस किले में भूत प्रेत का साया है। उसने बोला कि हमने हमारी बेवकूफ़ी करी यहाँ पे आकर। लेकिन कुछ समय बाद हम दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने पुलकित को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि कमज़ोरी के चलते इसको ऐसा हो गया है। उसको वहाँ पर ग्लूकोज लगाया गया और करीब आधे घंटे के अंदर अंदर पुलकित को होश आ गया था। 10:30 बजे पुलकित की छुट्टी भी हो गई थी और मैं उसे अपने फ्लैट पे वापस ले आया था। जब वो होश में आया तो उसने मुझसे पूछा कि मेरी जान कैसे बच गई। मैंने पहले उससे पूछा कि तू वहाँ से गायब कैसे हो गया था। लेकिन पुलकित ने जो जवाब दिया वो सच में खौफनाक। उसने बोला कि भाई मैं गायब नहीं हुआ था, मेरे को कोई चीज़ कमर से पकड़कर उस कमरे के अंदर ले गई थी और उसने एक हाथ मेरे मुँह पर रखा था, जिसके चलते मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। और उसने बोला कि जब मैं कमरे के अंदर गया तो मुझे कोई होश नहीं था कि आखिरकार मेरे साथ होने क्या वाला है। लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ कि हम दोनों अपने घर सही सलामत हैं। उसके बाद हम दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा करा और यही बोला कि भगवान आपने हमारी जान बचा ली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों उस दिन के बाद से हम दोनों को उन सारी नेगेटिव चीज़ों पे, सारी पैरानॉर्मल चीज़ों पे, सारे भूत प्रेत पर पूरा अच्छे से यकीन हो गया कि हाँ अगर कहीं अच्छाई है तो बुराई भी ज़रूर है। दोस्तों वो दिन था और आज का दिन था। काफ़ी बार हम उस किले के पास से गुजरे हैं और आज भी अगर हम उस किले के पास से गुजरते हैं तो हम दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक दिन यहाँ पे हमने आकर बेवकूफ़ी करी थी। अब सब कुछ ठीक है। उस दिन के बाद से ऐसी गलती हमने आज तक कभी नहीं की और ना ही किसी को करने की सलाह दी। दोस्तों यही थी कहानी कुलदीप की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द और ऐसी कहानी डालूंगा। मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।